नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। दोस्तों, आपने गोबर से बिजली और खाद की वीडियो तो काफी देखी होंगी, लेकिन आजकल पिगरी वेस्ट और पोल्ट्री फार्म की वेस्ट से भी बिजली, खाद और कुकिंग हीटिंग गैस प्राप्त की जा रही है। पिग फार्म पर पिगरी वेस्ट से किस तरह बिजली, खाद, कुकिंग और हीटिंग गैस प्राप्त की जा सकती है, आइए देखें पूरा वीडियो। नई साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मेरा नाम है मधुर श्रीवास्तव और आज मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ एक बायोगैस प्लांट जो कि असम के सोनापुर में लगा हुआ है। रियान फार्म करके है, एक पिग फार्म है जहाँ पर पिग वेस्ट से हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये बायोगैस प्लांट आप लोग पोल्ट्री फार्म हुआ, आपका डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, पिग फार्म है, कहीं भी इससे कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका डंग आता है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल्स हैं जहाँ पर आपका फूड वेस्ट है या एग्रीकल्चर वेस्ट है, ये जहाँ पे भी ये आपका ऑर्गेनिक वेस्ट आपको मिलता है, वेदर इट इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, वहाँ पर आप ये सारे फार्म आप लगा सकते हैं। रिसेंटली हमने इससे पहले उड़ीसा में भी एक हमने 1000 किलोमीटर का पोल्ट्री फार्म पर एक बायोगैस प्लांट लगाया है। इसके अलावा दिल्ली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम लोगों ने एक बायोगैस प्लांट लगाया है जिसका बायोगैस का यूज़ हम फर्दर बायोगैस का यूज़ हम लोग पावर प्रोडक्शन में कर सकते हैं, थर्मल एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं, या फिर अब आगे जाके इसको आप सीएनजी के लिए, सीएनजी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ बायो सीएनजी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ आप आके व्हीकल एप्लीकेशन के लिए आप बायो सीएनजी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप फार्म है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप इसका यूज़ आप थर्मल एप्लीकेशन के लिए, वैसे आप कुकिंग में आप इसका गैस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको जहाँ पर हीटिंग एप्लीकेशन के लिए होता है जैसे बॉयलर्स रन करना है जहाँ पर एलपीजी का बल्क में कंजप्शन है, वहाँ पर एलपीजी के कंपेयर में एलपीजी के रिप्लेसमेंट में आप इसको बायोगैस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका पावर प्रोडक्शन के लिए भी आप यूज़ करते हैं तो आपको फार्म में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को आप मिनिमाइज़ करके आप बायोगैस से आप जेनसेट को रन करके आप ऑफ ग्रिड आप इसको पावर को पावर गेन कर सकते हैं, उससे आप अपने फार्म को यूज़ कर सकते हैं, फार्म में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बायोगैस प्लांट से आपका जो फीडिंग मटेरियल होता है उसका आप एक प्रॉपर वाटर के साथ रेशियो में मिक्स करके आप फीड करते हैं, दैट इज़ उसके बाद आपका डाइजेस्टर में जाके आपका एक प्रॉपर गैस, आपका क्वालिटी का गैस मिलता है। गैस को हम लोग बाद में नॉमिनल फिल्टर जो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको फिल्टर और क्लीनिंग यूनिट लगा के उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद हम उसको कुकिंग बाकी पर्पजेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो आउटलेट से जो हमारा स्लरी निकलता है, मैनुअल निकलता है, वो एक आप उसको ड्राई बेस पे स्लरी सेपरेटर से या वाटर डिवॉटिंग मशीन से आप स्लरी को वाटर और स्लरी, लिक्विड स्लरी और ड्राई स्लरी को आप अलग कर सकते हैं, इसको आप मैनुअल पैकेज करके अब इसका यूज़ कर सकते हैं। और वो जो हमारा ड्राई स्लरी निकलता है बायोगैस प्लांट से वो एक रिच न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ रिच होता है और उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक आप बायोगैस प्लांट लगाने के साथ आप सबसे पहले एक वेस्ट मैनेजमेंट को आपने इन्वेस्ट किया है,
आपका वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, आपका वेस्ट कंट्रोल हुआ है, इसके बाद आप एनवायरमेंटल फ्री प्रोसेस है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है, इसके अलावा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपसे जो भी मेन्यू निकलता है उसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। फार्म के अंदर जो भी क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग के बाद जो भी वेस्ट होता है, वो एक ड्रेन से होते हुए हमारे मिक्सिंग टैंक में कलेक्ट हो जाता है। मिक्सिंग टैंक में उसमें उस वेस्ट में प्रॉपर रेशियो में वाटर मिक्स करते हैं और मिक्सिंग एजिटेटर की हेल्प से उसको मिक्स प्रॉपरली मिक्स करते हैं। जब वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है तो एक फीड पंप के हेल्प से हमें इसको डाइजेस्टर के अंदर फीड कर देते हैं। ये पीछे हमारा आउटलेट टैंक है, जिसमें जो भी डाइजेस्टेड स्लरी होती है, स्लरी डाइजेस्टर से जो भी स्लरी डाइजेस्ट होके पूरा मिक्स आउटलेट टैंक में कलेक्ट हो जाता है, उसी ऊपर आउटलेट टैंक के ऊपर ही हमने डिवाटिंग मशीन रखा हुआ है। ये डिवाटिंग मशीन स्लरी में से लिक्विड पार्ट को अलग कर देती है और सॉलिड पार्ट को अलग कर देती है। सॉलिड पार्ट हमारा ट्रे से होते हुए नीचे कलेक्ट हो जाता है, जिसको बाद में आगे हम मैन्यूअल पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लिक्विड स्लरी जो है इस हमारे वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाती है रिसाइकल, जिसका हम बाद में रिसाइकल पर्पज से यूज़ करते हैं। लिक्विड स्लरी और ड्राई स्लरी दोनों ही अपने एक काफ़ी ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कंटेंट करती हैं अपने अंदर, जिसका हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सिंपल एग्रीकल्चर पर्पज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। होल्डर में जब बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है तो गैस होल्डर में कलेक्ट हो जाती है, उसको हम लोग पाइप के थ्रू फिल्टर तक लाते हैं। ये हमारे फिल्टर रखे हुए हैं, H2S फिल्टर रिमूवल है और ये मॉइस्चर रिमूवल फिल्टर है। ये फिल्टर कोसेस ने ही डिज़ाइन किए हैं, काफ़ी कॉस्ट इफिशियंट फिल्टर कोसेस ने डिज़ाइन को डेवलप किए हैं। ये बायोगैस में से H2S को रिमूव करते हैं और मॉइस्चर रिमूव करते हैं, जो कि हम क्लीनिंग और हमें आगे क्लीन बायोगैस को प्रोवाइड करते हैं। ये फर्दर क्लीन बायोगैस को हम लोग आगे अपना पावर प्रोडक्शन के लिए या फिर कुकिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोशिश टीम ने अराउंड 20+ प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया इंस्टॉल किए हैं। अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट जो रेयान फार्म सोनापुर में लगाया हुआ है, ये पिग फार्म है। यहाँ पर जो भी पिगरी वेस्ट जनरेट होता है, उस पिगरी वेस्ट के लिए हम लोगों ने एक बायोमेथेनेशन प्लांट को सेटअप किया है। इस प्लांट के थ्रू फार्म ईजिली अपना जो भी वेस्ट है उसको मैनेज कर पा रहा है और उस वेस्ट से फर्दर बायोमेथेनेशन प्रोसेस से जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है उसको फिर पावर प्रोडक्शन में यूज ले रहे हैं हम लोग, और उस पावर से जो है फार्म के जितने भी फैन हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, वहाँ पर कंप्रेसर्स हैं और जो समर्सिबल पंप हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, वो सारे के सारे इसी फार्म जो प्लांट से जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उससे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ बायोगैस प्लांट एक ऑर्गेनिक मेन्योर भी दे रहा है, जिससे हम लोग जो स्लरी सेपरेटिंग मशीन है हमारी, उससे सॉलिड लिक्विड पार्ट को स्लरी के सेपरेट करके सॉलिड मैन्योर को जो है डायरेक्टली सेल कर रहे हैं फार्मर्स को, उसके थ्रो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। इस तरीके के मॉडल्स कई जगह लगाए जा सकते हैं, जहाँ भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अवेलेबल है, पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, गौशाला है, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर फूड वेस्ट है, तो वहाँ पर ये इस तरीके के कॉम्पैक्ट सॉल्यूशंस लगाए जा सकते हैं और उनका जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, कुकिंग गैस की रिक्वायरमेंट है, वो इन प्लांट्स के थ्रू फुलफिल हो सकती है।